जी तो व्यूवर्स, आज है सेकेंड डे 29 मार्च 2021 और है दिन पीर का, मंडे है। मैं आई हूँ दोबारा चेज़ वैल्यू में। 10 बजे स्टोर ओपन हो जाता है, चेज़ वैल्यू सेंटर मुल्तान, और रात 8 बजे इसकी क्लोजिंग टाइमिंग है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ और फिर मैं यहाँ सब निकलने वाली हूँ मुल्तान शहर, आपको दिखाते हैं जो जो मुझे समझ आता है कि मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम बहावलपुर जाते हैं वहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं वहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं चेज़ वैल्यू की। हाँ, जहाँ पर भी जाते हैं ना वहीं से चेज़ वैल्यू की लेवल शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कराची के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद हमारा चल लगा रहता है। कल मैंने 2 स्टॉलर्स लिए थे यहाँ से और अब मोहम्मद ने कार, और आज अब्दुल्ला अपने लिए टूथ ब्रश देख रहे हैं और बॉटल ले कर ये ले। चक्रों वाला लगी मैंने इनको आज फिर कितने दिनों के बाद घेर कर लेकर गई हूँ परफ्यूमरी काउंटर पे, और मैं इनसे कह रही हूँ हुगो बॉस का ले ले, लेकिन ये नहीं ले रहे। अब आप लोग समझाएं, आप क्यों नहीं ले रहे? बस मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास हैं परफ्यूम तो। हमेशा ये यही कहते हैं, 18 साल हो गए ये मेरी बात नहीं मान रहे, मैं इनको कह रही हूँ हुगो बॉस ले लें, ये नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें कि कौन सा परफ्यूम बड़ा प्यारा सा हो, स्मेल बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा है। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी है लेकिन आप बताइएगा कौन सा अच्छा है, ज़ुल्फ़िकार साहब को कौन सा लेना चाहिए। और वैसे आपकी अपनी कोई चॉइस है? खास नहीं है, नहीं है वो खास। परफ्यूम्स के हवाले से नहीं, कोई खास नहीं है। एटर्निटी मैंने यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी पहले, हाँ। और वो बेहतर है, बाकी मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं बॉडी स्प्रे में यूज़ करता हूँ ब्रूड का, तो ज़्यादातर बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। मैं इनको कह भी रही हूँ कि आप कर लें लेकिन ये नहीं सुन रहे। मैं जो है वो ब्लू लेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती रही, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट जो आते रहते हैं अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ। बट कूल सा ठंडा सा होता है वो होना चाहिए मेरे लिए। तो बाकी ज़ुल्फ़िकार साहब नहीं मान रहे, मान जाए ले लें। चलो बस चले देखा। और मौसम जी थोड़ा सा गर्म लग रहा है अब इस वक्त दोपहर में, धूप थोड़ी तेज़ है, कल नहीं लग रहा था लेकिन आज हमें थोड़ा सा गर्म लग रहा है। और आज शाम को जी इंशाल्लाह ताला डिनर करने के बाद, डिनर हमारा होना है चाँप का, हमने यहाँ पर चाँप बहुत अच्छी मिलती है घंटा घर के पास, आई थिंक कोई जगह है। इसके बाद जी हमें रवाना होना है बहावलपुर के लिए। जी हाँ, आज रात 9 बजे इंशाल्लाह ताला मैं बहावलपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी अम्मी के घर। अम्मी बहुत इंतज़ार कर रही हैं और जो देख रहे हैं मुझे वो बहावलपुर चेज़ वैल्यू सेंटर में बुध वाले दिन मिल सकते हैं आकर। मैं 1 बजे से लेके और 3 बजे तक चेज़ वैल्यू सेंटर बहावलपुर में मिलूँगी। तो जिन्होंने मुलाकात करनी है मेरे सब्सक्राइबर बहन भाइयों ने या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप आके मुझसे 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान बहावलपुर ब्रांच में मिल सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम जी घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो अम्मी अब्बू को लूँगी और हम लोग खूब खाएंगे पिएंगे, डिनर करेंगे, डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, जो कि हालांकि मैंने आपको बहावलपुर सारा विज़िट करवा दिया है लेकिन कोशिश करूँगी कुछ मार्केट्स को कवर करूँ। और फिर इंशाल्लाह ताला 1 अप्रैल, मैं तो वैसे अब्दुल्ला से कह रही हूँ लेकिन हो सकता है कि हम 1 अप्रैल को निकल जाएं कराची के लिए। तो अभी बुकिंग नहीं करवाई है, अभी जाऊंगी स्टेशन, तो इसी वजह से एक स्टेशन जाना ज़रूरी भी है कि बुकिंग भी हो जाएगी। बहुत अच्छा टूर जा रहा है, वेरी बिजी, और इसी दौरान मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दी हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी होगी कि मैं आज ये वीडियो शाजिया फैमिली प्लस पर डालूँ। शाजिया फैमिली प्लस को आप लोगों ने जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करना है क्योंकि उस पर मैं डेली की रूटीन जो है ना वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सही, तो अभी बस जस्ट वेट है, गाड़ी आती है तो हम निकलते हैं। और सफ़र बहुत अच्छा गुजरा आसिम के साथ और पता ही नहीं चला टाइम किधर चला गया ना। तो वो जर्नी आप इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे मेरे शाजिया फैमिली चैनल के ऊपर। तो शाजिया फैमिली चैनल पर कल इंशाल्लाह ताला ट्रेन जर्नी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।